मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम जन के साथ मन की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन साधारण के साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम यानी मन की बात, इस सिलसिले को 4 साल हो चुके हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री जनता के साथ रूबरू होंगे तो ये उनका जनता के साथ 50वां संवाद होगा। इसके जरिए उन्होंने सरकारी योजनाओं में लोगों की भागीदारी को तो सुनिश्चित किया ही, साथ ही कई सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने में भी सफलता हासिल की। आज हम एक ऐसे ही सामाजिक परिवर्तन स्वच्छता की बात करेंगे, जिसे प्रधानमंत्री ने मन की बात में जोर शोर से उठाया था। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया ये पहला प्रयास था जिसके तहत वो जनता से सीधे संवाद कर सकते थे। गर्व ना हो, प्रत्येक भारतीय चाहे वो किसी भी क्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से पहली बार मन की बात 3 अक्टूबर 2014 को की थी। ये मौका था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद का। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया था। मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का मुद्दा ही जनता के सामने रखा। कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत का एक अभियान 125 करोड़ देशवासियों ने आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रित करूंगा और वे खुद सफाई करती हुई अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए, आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छ भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम साफ सफाई से तो जोड़ा ही, साथ ही इसे उन्होंने शौचालय से जोड़कर स्वच्छता की दिशा में एक क्रांति लाने का काम किया। आज करीब 4 बरस बाद जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बदलाव की कहानी अपने आप पन्ने पलटने लगती है। साल 2014-15 में 48,95,932 शौचालय बनाए गए थे। 2015-16 में 1,25,59,732 शौचालय बने। साल 2016-17 में 2,18,20,567 शौचालय बने। 2017-18 में 2,97,92,112 और 2018-19 में अब तक 1,83,52,129 शौचालय बन चुके हैं। कुल मिलाकर 8,86,90,844 शौचालय बनाए गए। आज 25 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां खुले में शौच करने की प्रथा बंद हो चुकी है, यानी हर एक घर में शौचालय है। देश के 530 जिलों और 5,27,000 से ज्यादा गांव में अब खुले में कोई शौच नहीं करता। माना स्वच्छ भारत एक सरकार का मिशन था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मन की बात में जिक्र करके इसे लोगों का मिशन बना दिया। नतीजा सामने है, आज देश के 96% से ज्यादा घरों में शौचालय है। 4 वर्षों में जब इतनी दूरी तय कर ली है तो वो दिन दूर नहीं कि जब देश के हर घर में शौचालय होगा। खादी सिर्फ वस्त्र ही नहीं है, ये प्रतीक है स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का। इस बात को सिद्ध किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। आजादी की लड़ाई में खादी एक विचारधारा के रूप में उभरी, लेकिन आजादी के बाद ये विचारधारा एक वर्ग तक सीमित होकर रह गई और इसका विकास रुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात कार्यक्रम शुरू किया तो अपने पहले संबोधन में ही उन्होंने देश से खादी को अपनाने का आग्रह किया, जिसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं।
खादी। आज से कुछ सालों पहले तक इसे सिर्फ नेताओं का परिधान समझा जाता था। नतीजा, इसको बनाने वाला बुनकर तंगहाल जिंदगी जीने को मजबूर था। ऐसा नहीं था कि खादी का उपयोग मॉडर्न फैशन में नहीं हो सकता था, जरूरत थी तो प्रोत्साहन की। ये प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मन की बात कार्यक्रम से, जिसमें उन्होंने देशवासियों से खादी को अपनाने की अपील की। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादी धारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादी धारी होने का व्रत करें यह भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है, और इसलिए एकाध चीज, और इन दिनों तो 2 अक्टूबर से लेकर करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिस्काउंट होता है, उसका फायदा भी उठा सकते हैं। एक छोटी चीज, और आग्रह पूर्वक इसको करिए, आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड़ाव आता है, उस पर आपको कैसी सफलता मिलती है। इस अपील का असर भी हुआ, खादी की लोकप्रियता में अचानक उछाल देखने को मिला। खादी की बिक्री जो 2004 से 2014 के दौरान मात्र 6.62% के हिसाब से बढ़ी थी, वहीं 2015 से फरवरी 2018 के बीच 31% की दर से बढ़ी। बढ़ती बिक्री से खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। 2004 से 2014 के दौरान उत्पादन दर सिर्फ 6.52% थी, जबकि 2015 से फरवरी 2018 के दौरान उत्पादन दर बढ़कर 26.42% पर आ गई थी। जब उद्योग फिर से पनपा तो लाजमी था कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी। आंकड़ों के मुताबिक बीते 4 सालों में खादी ने 18,38,000 नए रोजगार पैदा किए हैं। इन 4 सालों में KVIC ने लगभग 400 नई खादी इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया, 319 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए और लगभग 32,000 चरखे और 6,000 लूम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अपने खादी आर्टिकल्स को। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के जरिए की गई अपील के बाद खादी को फैशन इंडस्ट्री ने एक बार फिर से हाथों हाथ लिया। खादी का कुर्ता जैकेट युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। खादी ग्रामोद्योग की खादी की 7 दुकानों से रोजाना 1,400 कुर्ता जैकेट बिक रहे हैं। प्रधानमंत्री की पहल के बाद 3,41,00,000 रुपए तक की खादी योग किट्स बिक चुके हैं। खादी उत्पादों का निर्यात जो 2004 से 2014 के बीच मात्र 87,77,00,000 था, वो 2015 से फरवरी 2018 के बीच बढ़कर 2,014,75,00,000 का हो गया। पीपल आर कमिंग हियर ऑल द टाइम, जो कि यहाँ पे खरीद करते हैं पूरे तरीके से और अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इस जैसी क्वालिटी के किसी और जगह पर नहीं मिलता है। यही तो एक बात है यहाँ पे खादी में, तो सबसे बड़ी बात यही है। कपड़े भी खादी के बहुत अच्छे हैं, तो लोकल लोगों को ही जाते हैं पैसे उसके ऊपर से। फैब्रिक अनपैरेलल्ड है ऑलमोस्ट, जैसे अभी यहीं पे इसी शॉप में इतनी वैरायटी है, रेडीमेड क्लोथ, साड़ीज, कुछ भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी को सिर्फ आत्मनिर्भरता या बुनकरों की सहायता से ही नहीं जोड़ा, देश की नब्स को पकड़ते हुए उन्होंने खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन का नारा भी दिया। नेशन और फैशन के इस बेमिसाल जोड़ ने खादी की सादगी को हर दिल अजीज बना दिया है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, अगर इस बात को सही से समझा जाए तो बहुत मायने रखती है। इस बात के आधार पर कहा जा सकता है कि अगर एक नागरिक को भी जिम्मेदार बनाया गया तब भी हमने एक परिवर्तन की शुरुआत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंत्र को समझा और मन की बात के जरिए देश के नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों से रूबरू कराया। उनका ऐसा ही एक सफल प्रयास रहा ग्राहकों द्वारा एलपीजी सब्सिडी को छोड़ना। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एलपीजी का गोदाम, यहां से गाड़ियों में सिलेंडर लोड होकर घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस एजेंसी के मालिक नीरज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ने की अपील को मुहिम की तरह लिया और अपने ग्राहकों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित किया। के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों के साथ जोड़ के एक हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया। मैंने एक टीम बनाया जिसमें डॉक्टर्स हमारे साथ थे, जिसमें समाज के अच्छे लोग थे, कुछ नौजवान थे, कुछ छात्र छात्राएं थे। उन लोगों के साथ हम लोगों ने काफ़ी ये अभियान चलाया जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काफ़ी सब्सिडी छोड़ा, जिससे जो प्रधानमंत्री का हमारा ड्रीम था कि जो सक्षम लोग हैं, जो टैक्स पेयर लोग हैं वो छोड़े और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आज तक गैस से वंचित रहे हैं, उन की सुविधा इसके माध्यम से जो पैसा छूटता है उससे हम लोग फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत दें। जो आपको मालूम है कि उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में लगभग 3 करोड़ लोगों को ये फायदा पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नीरज जैसे नागरिकों को प्रोत्साहित भी किया। 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कोई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड क्लार्क, कोई किसान, कोई छोटा सा दुकान चलाने वाला, ऐसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हैं जिन्होंने छोड़ा। दूसरी विशेषता देखिए कि सब्सिडी छोड़ने के लिए मोबाइल फोन के ऐप से कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते थे, टेलीफोन पर मिस कॉल करके कर सकते थे, बहुत तरीके थे। लेकिन हिसाब लगाया गया तो पता चला कि इन 1 करोड़ परिवारों में 80% से ज़्यादा लोग वो थे जो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ खुद गए, कतार में खड़े रहे और लिखित में देकर के उन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी। अर्थशास्त्री सब्सिडी को अक्सर गलत मानते हैं, इसके बावजूद 2013-14 के दौरान देश पर एलपीजी सब्सिडी का भार 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। 27 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से गिव अप एलपीजी सब्सिडी की अपील की और अनुरोध किया कि सक्षम नागरिक स्वेच्छा से एलपीजी पर सब्सिडी का त्याग करें। इसके नतीजे सामने हैं। आज देश के 1,25,00,000 उपभोक्ताओं ने एलपीजी पर सब्सिडी लेना बंद कर दिया है। उदाहरण के लिए भारत पेट्रोलियम के 32,12,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने 1,927 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी छोड़ दी है। मुझे 3 साल हो गए सब्सिडी छोड़े हुए, जब से मोदी जी की मन की बात से प्रभावित होके, तो मोदी जी की वजह से मैंने गरीबों के घर में अपना चूल्हा अपना गैस सिलेंडर पहुंच सके और सारी जगह से अपना सरकार हो सके, तो इस चक्कर में मैंने सब्सिडी छोड़ दी है। मैं गैस सब्सिडी जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे 5 महीने हो गए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गैस सब्सिडी छोड़ करके, बहुत से देश में बहुत गरीब लोग हैं, हम इनकम टैक्स भी जमा करते हैं, तो एक प्रधानमंत्री जी की विचारों से प्रभावित होकर के स्वतः से मन में विचार आया कि हमारे सब्सिडी छोड़ने से किसी गरीब के घर में चूल्हा जल सकता है, किसी गरीब का भला हो सकता है, तो हम ये कौन से, हमने कोई बहुत बड़ा त्याग भी नहीं किया है, हम अपना गैस ले ही रहे हैं, एक सब्सिडी जो है छोड़ने से किसी के घर में चूल्हा जल सकता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हर एक एलपीजी सिलेंडर पर करीब 450 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। एक आम उच्च मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग के लिए ये रकम शायद बहुत बड़ी ना हो, अगर उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि देश के विकास में उसकी भागीदारी है तो वो ये रकम छोड़ भी सकता है और यही हुआ भी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संपन्न वर्ग से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने को कहा, इस तरह उन्होंने देश के विकास में आम नागरिक का सहयोग भी सुनिश्चित किया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बेटी का महत्व सब जानते हैं, लेकिन अफसोस इस महत्व को समझने की कोशिश कम ही लोग कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में ही बेटी की अहमियत को पहचानने की अपील की थी। अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने जनता से बेटियों पर गर्व करने को कहा।
पानीपत के इस समारोह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरते लिंगानुपात को देश के नाम पर कलंक बताया और कहा कि बेटियां ही भविष्य हैं। प्रधानमंत्री की योजना और अपील के साथ ही लिंगानुपात सुधारने पर काम शुरू हो गया। कुछ ही सालों में नतीजे भी आने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुहिम को सुस्त नहीं पड़ने दिया। उन्होंने मन की बात के जरिए जनता के बीच से ही उदाहरण ढूंढे और उन्हें देश के सामने मिसाल बनाकर पेश किया। आप जानते हैं, सरकार की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जब सरकार का कार्यक्रम कोई व्यक्ति समाज गांव अपना बना ले तब उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसके स्पर्धा की अपने गांव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी, उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा। एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी परिवारों से अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेने की अपील की। सेल्फी तो जरिया मात्र था, इसके पीछे लिंगानुपात में सुधार लाने का मकसद सफल हो रहा था। एक समय हरियाणा लिंगानुपात में सबसे पिछड़े प्रदेशों में गिना जाता था। यहां के जिले सोनीपत में 2014 में तो 1000 लड़कों में मात्र 830 लड़कियां थीं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बाद से यहां सुधार होना शुरू हुआ। 2015 में लड़कियों की संख्या 867, 2016 में 902 और 2017 में 937 तक पहुंच गई। अप्रैल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक सोनीपत का लिंगानुपात 1000 लड़कों में 947 लड़कियों का था, जो कि स्वस्थ लिंगानुपात 950 के काफी करीब था। ये कहानी सोनीपत की ही नहीं थी, देश के लगभग सभी हिस्सों में आज लिंगानुपात सुधर रहा है। जाहिर है मन की बात मन तक पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए समाज के नजरिए को बदलने की कोशिश की। कभी यह नजरिया किसी प्रथा को लेकर था, कभी किसी चलन को लेकर, या कभी किसी सोच को लेकर। रोजगार को लेकर भी समाज में एक सोच थी, किसी की नौकरी करें तभी रोजगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना लाकर युवाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए सुविधाएं प्रदान की और मन की बात के जरिए उन्होंने इस योजना को घर घर तक पहुंचाया। हमारे समाज में हमेशा से मानसिकता रही है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा अधिकारी बने। हमने कभी अपने बच्चों को खुद का कारोबार करने के लिए प्रेरित नहीं किया, जबकि सभी जानते हैं कि नौकरियां सीमित हैं। मोदी सरकार ने इस बात को समझा और युवाओं से अपील की कि अपना खुद का कारोबार शुरू करें। इन युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। अब बात कुछ ऐसी थी, रोजगार मांगो नहीं बल्कि इतने सक्षम बनो कि दूसरों को रोजगार दे सको। अपने मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना को समझाने की कोशिश की। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो 3 E's, 3 E, एंटरप्राइज, अर्निंग, एम्पावरमेंट। मुद्रा एंटरप्राइज को एनकरेज कर रहा है, मुद्रा अर्निंग के अवसर पैदा करता है और मुद्रा सच्चे अर्थ में एम्पावर करता है। छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करने के लिए ये मुद्रा योजना चल रही है। वैसे मैं जिस गति से जाना चाहता हूँ वो गति तो अभी आनी बाकी है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। इतने कम समय में करीब 66 लाख लोगों को 42,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उन लोगों को मिला, धोबी हो, नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग,
और मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि करीब इन 66 लाख में 24 लाख महिलाएं हैं और ज़्यादातर ये मदद पाने वाले SC, ST, OBC इस वर्ग के लोग हैं जो खुद मेहनत करके अपने पैरों पर सम्मान से परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं। मुद्रा योजना की 3 श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए का कर्ज 10-18% की ब्याज दर पर मुहैया कराया जाता है। इस योजना को जनता ने हाथों हाथ लिया और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। साल 2015-16 में 3,48,00,000 से ज्यादा लोगों को 1,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई। 2016-17 में 3,97,00,000 से ज्यादा लोगों में 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की गई और साल 2017-18 के दौरान मुद्रा योजना के तहत 4,03,00,000 से ज्यादा लोगों को 1,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई। प्रधानमंत्री की मुहिम का मतलब है छोटे और मझोले कारोबार की अहमियत को समझना और इससे लाभ उठाना, और जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये मुहिम सफल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ।